सुफारी भी नहीं आता, दुखारी भी नहीं आता, है सुने मंदिरों के दर पुजारी भी नहीं आता। किसी ने कह दिया शायद मेरे माँ की नहीं चलती, जो घर में रोज आता था भिखारी भी नहीं आता। जहाँ माँ बाप की नहीं चलती वो घर स्वर्ग सा नहीं होता। इसलिए मैं सबको, मैं चार पंक्तियों से माँ श्याम कुमारी के चरणों में ये चार पंक्तियाँ रखते हुए, भाई अभय सिंह निर्भीक मेरे प्रिय मित्र बैठे हैं, जो हमारे बीच में साक्षी बिटिया बैठी है, बहुत ही वीर रस की धनी कवियत्री हैं, और पूनम जी बैठी हुई हैं, और एक खास नाम जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से अपनी ललकार ललकारी, वो शाबिस्ता ब्रिजेश होती है, भाई जोरदार तालियां हो जाए। शाबिस्ता ब्रिजेश वीर रस की अग्रणी कवियत्री है, आज ये कविता मंच धन्य है वीर रस के कवियों से। इसीलिए मैं एक पंक्ति तो मैं इन वीर रस के कवियों को, लेकिन सबसे पहले माँ श्याम कुमारी के चरणों में ये पंक्तियां देते हैं कि बहारों का मौसम मेरे गांव में है। मैं एक पंक्ति अब बनाए नहीं, ईमानदारी से बताऊं, मैं तुरंत बना रहा हूं, और शब्दों को संभालना, तालियों से गूंज देना कि बहारों का मौसम मेरे गांव में है। अब बड़ा ही मजा नीम की छाँव में है, नहीं पूरी दुनिया में पाओगे ढूंढे जो सुख अपने माँ बाप के पाँव में है। मैं महाराज संजय सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन अब चार पंक्तियों से श्रवण जी ने अपने गीतों में बहुत ही वीर रस की कविताएं लिखी, और यहीं से पाकिस्तान को ललकार कर हरा दिया, और धारा 370 हटा दिया श्रवण सुल्तानपुरी ने। लेकिन जब हटी धारा 370 तो आसाराम बापू खुश हो गए कि अब हट जाएगी धारा 376। हमने कहा बापू जी आप 6 अंक पीछे हैं, आपके वकील आपकी फाइल खींचे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मोदी जी धीरे धीरे आप ही की तरफ आ रहे हैं। स्थिति ऐसे बन जाती, सबको आशा और उम्मीदें सरकार से रहती हैं, मगर ये चार पंक्तियां देते हैं और यही से श्रवण सुल्तानपुरी को बुलाते हैं कि कोई बढ़ता रहा मन में दंगा लिए, कोई बढ़ता रहा मन में गंगा लिए, है नमन उल शहीदों के बलिदान को, है नमन उल शहीदों के बलिदान को, आगे बढ़ता रहा जो तिरंगा लिए। भाई श्रवण सुल्तानपुरी, एक जोरदार तालियां हो जाए, ऐसा ना हो कि पहली हलवाई की जलेबी हो। हालांकि ये नाम अगर मैं रात को लेता तो कुछ ज्यादा उजियारा दिखाई देता, लेकिन हम दिने में जैसे ही नाम लिया या पर्दा उर्दा फाड़ के सब उजियारा आवे लगा, तो थोड़ा सा आप सजग रहेंगे, इस बात पहले ही दौर में पढ़ाएंगे। डॉक्टर एके सिंह साहब वो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, जब ये हमारे गांव नारायणपुर में और हमारे दोस्तपुर में कभी ये एंट्री किया करते थे, उसमें मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, मगर डॉक्टर साहब की उम्र अभी भी उतने है, वो ये भी वही थाम दिए हैं। मैं ये और डॉक्टर साहब की आंखें बड़ी सुंदर हैं, डॉक्टर साहब के लिए दो पंक्तियां अगर ऐसे यूं कहती कि मैं कहते लाख करे बंद जमाने वाले, और सुल्तानपुर में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाली, तो ये डॉक्टर साहब का ये कमाल है, जिनकी आंखों में सिर्फ प्यार ही छलकता है, जिनके हाथों में जादू है। मैं डॉक्टर ए के सिंह साहब का वो स्वरूप देखा हूँ, जब इनके लिए पूरा हर आदमी अपना अपना काम छोड़ देता था और दौड़ता था पागलों की तरह, कि डॉक्टर ए के सिंह साहब आए हैं। अब वो क्या होते थे, मैं कसम भगवान कहता हूँ, वो उनको जो लोग भागते थे इनके लिए उनको कोई रोग नहीं होता था, वो सिर्फ ये देखने जाते थे कि डॉक्टर ए के सिंह है कैसे, वो देखने कैसे हैं जिनका इतना नाम इतनी शोहरत है। तो ये मैं उस माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने बाबू संजय सिंह, बाबू अजय सिंह, भाई शैलेश, बाबू राम पूजन जी के ये
ये जो शुभ आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, अब श्री एके सिंह जैसे डॉक्टरों को जिन्होंने जन्म दिया, मैं ऐसे बेटों को बहुत ही नमन करता हूँ। श्रवण भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं चाहता हूँ कि उसी लहर में हम भी थोड़ा सा आपको और भी लहरा दें। तो कैसे कहते हैं, बनाता नहीं हूँ, बना देता हूँ। कविता लिखने की जरूरत हमको देश में नहीं पड़ती, देश में इतने बड़े बड़े कवि पढ़े सब लिखते रहते हैं मूड डाल के, हमको क्या जरूरत है लिखने की, हम तुरंत शुरू। कैसे, मोदी जी ने घूम के देखा उनका सारा सूबा, दिन भर घूमे लेकिन उनका दिल बिल्कुल ना उबा, प्यार का वो इजहार कर दिए जब सूरत था डूबा, महबूबा वो महबूबा, महबूबा वो महबूबा, तेरी मर्जी मेरी क्या, तुम्हें जाना है तो जा। चली गई, पूरा छोड़ दिया। क्यों, कैसे चली गई, स्थिति कैसे बनाया उन्होंने। अरे ऊपर मोदी नीचे योगी, दोनों व्यक्ति बड़े ही उपयोगी, सीट निकल गई कल्ले कल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले। हार गए हैं जो भी यहाँ पर मचा रहे हैं हल्ले गुल्ले, जीत गए हैं जो भी यहाँ पर काट रहे रसगुल्ले, काट रहे लड्डू रसगुल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब कविता लिखने की जरूरत नहीं, केवल आनंद लेने की जरूरत है। मैं चार पंक्तियों से पूनम श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा संचालन जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी बुला लूंगा, नहीं तो भगवान हमको ऊपर बुला लेगा कि तुम इधर आ जाओ, तुम इतना अच्छा बोल रहे हो हमारे बीच में। यहाँ मैं बहुत ही संस्कारों से, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, संस्कारों की खेती करने के ये जमीन है जहाँ संस्कारों की फसलें उगाई जाती हैं। कहते हैं मेरा बेटा ये बाबू संजय सिंह के चरणों में मैं इस रचना को रख देता हूँ, क्योंकि पूनम जी को सुनने के बाद डॉक्टर साहब और महाराज संजय सिंह हो सकता है कि वक्त के अभाव में चले जाएं, मगर ये रचना न उनके साथ चली जाए तो बड़ा अच्छा है। कि मेरा बेटा मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, बोला पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, फिर भी मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा बेटा तुम्हारा हर रंगीन सपना टूट जाएगा, तुम मेरी नजर में उस दिन सबसे बड़े हो जाओगे जब मेरे कंधे पे नहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तब ये तुम्हारा बाप दुनिया के सामने छाती ठोक कर मुस्कुराएगा और तुम्हारे ही कंधे पे विदा होकर एक दिन दुनिया से चला जाएगा। आप चार पंक्तियों के लिए, तालियों के लिए तैयार रहना, और पूनम जी के लिए, और वो तैयार रहे आने के लिए, कि बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पर तो सर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीबी हो घर में, बिना माँ के कोई, बिना माँ के मगर कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। जोरदार उनको सुनने की फरमाइश चाहिए है, साक्षी तिवारी बिटिया तैयार रहेगी। मैं चार पंक्तियों से ललकारते हुए बुलाना चाहता हूँ कि दुख भरपूर गया, माग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लगोटियाँ चली गई, अब बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियाँ चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। जोरदार तालियां सच्ची तिवारी की। देखिए गठबंधन पे मैंने बनाया उस वक्त जब गठबंधन बना, कि देखो रिश्तों का कैसा मिलन हुआ रे बुआ, नाचे भतीजवा मगन हुआ रे, देखो रिश्तों का कैसा मिलन हुआ रे बुआ, नाचे भतीजवा मगन हुआ रे, अलग सब के झंडा अलग सब के बैनर, सियासत में होता नहीं है कोई मैनर, तो क्रोध कुर्सी
जवा मगन हुआ रे, मोदी और योगी का चल गया जादू, यूपी का सीएम बना गोरखपुर का साधु। तो देखो भगवान मैं पूरा वतन हुआ रे, जैसे बुढ़ऊ का फिर से लगन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा, बाद में दोनों को जिंदा किया जाएगा। पूरे देश में वोट जहां जहां दिया जाएगा, सब अकेले अब 23 तारीख को लिया जाएगा। पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा, तो पूरा दसवा कमल से किया लाल मितवा। देखो देखो अमित का कमाल मितो। मैं सविता जी, सविता जी, अच्छा मैं आपके जाने के बाद थोड़ा खालीपन हुआ, तो मैं उसको भर रहा था, मेरे ख्याल से भर सा गया है, क्योंकि मोदी जी करते वाह वाह आ गए, कांटे भी फूल बन के तेरी राह आ गए। आतंकवादियों तुम्हारी खैर नहीं है, शाहों के शहंशाह अमित शाह आ गए। मैं चाहता हूँ कि झोपड़ी उसी जोश में रहना बेटा, कि एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छांव जरूरी है, और शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो नमाज पढ़ो गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। इमरान भाई, एक बहुत ही खूबसूरत शायर आपके बीच में है, अगर कहीं से इसका तरन्नुम आपकी आवाज के साथ मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूँ, और ये वो मुक्तक है जो माँ श्याम कुमारी ने एक सपना देखा कि नारियों का उत्थान और उनका सम्मान और क्षेत्र में बालिका विद्यालय खुले। तो बाबू अजय सिंह, संजय सिंह, उनके पिताश्री ने जो तप करके ये अपना विद्यालय बनाया। मैं चार पंक्तियां माँ श्याम कुमारी के उस विचारों से ओतप्रोत होकर के मैं बनाया। जब नारियों का सम्मान इस वक्त इतना है कि अब उनके साथ कोई जाति नहीं हो सकती, और मैं सबको बहुत ही नमन करता हूँ। मैं चार पंक्तियां, भाई एक शेर मैं सुना रहा हूँ, इमरान भाई उसी जोश के साथ आना है। अजय भैया थोड़ा सा इसको प्यार मिल जाए। काजल है जो आंसुओं का सबब हो गया, आँख का मेरे काजल है जो आंसुओं का सबब हो गया, आईना टुकड़े टुकड़े हुआ दिल लगाना गजब हो गया, आईना टुकड़े। अब दो लाइनें देखिए कैसी पंक्तियां लिखी है, कि मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की रौनक बनी। संजय भैया, मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की रौनक बनी, मुझको दो रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो गया, मुझको दो रोटियां दे के वो। ये नारी का सम्मान। मौसम न जाने कितने सुहाने गुजर गए, जो आदमी थे अपने पुराने गुजर गए, माँ बाप से अब हाथ मिलाने का चलन है, हमने छुए थे पांव जमाने गुजर गए। कांटों को सजा करके वो गुलदान में रखता है, कांटों को सजा करके वो गुलदान में रखता है, और गमलों को सजा करके फिर लान में रखता है। अब कुत्तों को सुलाता है वो एसी के कमरों में, अब बूढ़े माँ बाप को दालान में
लिखता है। और तब अंबर भाई ने क्या कहा, ये शेर कहा कि दिल से दिल आंख से है आंख मिलाने वाली, दिल से है दिल से दिल है दिल से दिल आंख से है आंख मिलाने वाले, हम झुकी डालियों के फल नहीं खाने वाले। अब जो शेर आ रहा है उस पर तवज्जो करेंगे कि गैर मुमकिन है कि मिट जाए गजल दुनिया से, गैर मुमकिन है कि मिट जाए गजल दुनिया से, अरे जब तलक जिंदा है गालिब के घर आने वाले। मैं बहुत ही दुआओं से नवाजता हूँ। अब चूंकि रुचि द्विवेदी आ रही है तो शायद तैयारी भी हो रही है, हो गई है कि बरसई झमा झम पानी है, समझ के कि बरसई झमा झम पानी, अरे बलम कौनो कहता कहानी। ये हम नहीं कहे, ये रुचि द्विवेदी अपने मन से धू से कहे, उनके मन से धू हमारे प्रिय मित्र है, वो आए भी है, लेकिन बताऊं नहीं वो कहाँ है। अबे पूरा भीड़ व्यापन मन से धू खो जाए कि बरत बिस्तर पे बैठी है और रुचि द्विवेदी कही क्या रही है कि बरसई झमा झम पानी बलम कौनो कहता कहानी। अब कविता बनी नहीं, मैं तुरंत बना रहा कि राजा जनक हल खेतवा में जोतें, अरे राजा जनक हल खेतवा में जोतें, अब फंस गए उ हल खड़ा हो गए फिर सोचें, पिछवा से भामे रहे रानी बलम कौनो कहता कहानी। मतलब कल्पना कर रहा हूँ, कहानी कह रही है कि राजा जनक हल खेतवा में सोचें, हल फंस गए वहीं खड़ा होई के सोचें, तो पिछवा से पकड़े रहे रानी बलम कौनो कहता कहानी। भीम और अर्जुन के नहीं कोई योद्धा, और कभी ने पूरी दुनिया में ये सब सोधा, अब अर्जुन और भीम जैसा नहीं कोई योद्धा, और नहीं गढ़ जैसा कोई दानी बलम कौनो कहता कहानी, बलम कौनो कहता कहानी। अरे बाबू अजय सिंह के आए विद्यालय, अरे बाबू अजय सिंह के आए विद्यालय, अरे जैसे हम पहुंच गए लखनऊ सचिवालय, जैसे हम पहुंच गए लखनऊ सचिवालय, झमझम बरसे दुईमी झमझम बरसे हो जाए मेघालय, झमझम बरसे हो जाए मेघालय, और चारों तरफ होए पानी पानी बलम कौनो कहता कहानी। भाई आवा जी आवा 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 आवा, जो कुछ भी सुना मैंने फ्री फंड हो गया, जो कुछ भी सुना मैंने फ्री फंड हो गया, जुर्माना हो गया कि जैसे दंड हो गया। अब जिस दिन ये दूल्हा बन के गए थे बिहार में, आधा बिहार बट के झारखंड हो गया। जिस दिन ये दूल्हा बन के गए थे बिहार में, आधा बिहार बट के झारखंड हो गया। तब क्या कहते हैं कि वो क्या कि संकट सुमन केसरी नंदन, संकट सुमन केसरी नंदन झूठ मूठ का था गठबंधन, संकट सुमन केसरी नंदन झूठ मूठ का था गठबंधन, भूत पिचास निकट नहीं आवे बिन रुपया के टिकट न पावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे बिन रुपया के टिकट न पावे, रखवारे टेंट में कांपे राम बेचारे, राम दुआरे तुम रखवारे टेंट में कांपे राम दुआरे राम बेचारे, सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, हार के जस रोए सब झरना, हार के जस रोए सब झरना, राम लखन सीता मन बसिया मंदिर कब बनवाऊ बे निर्बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ताना है, ताना है।
राम लखन सीता मन बसिया मंदिर के बनोगे निर्बसिया, आए हम बराती बारात लेके भग जाएंगे लड्डू का परात लेके, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, अन्ना हजारे के बिना केजरीवाल का परिवार अधूरा रहता है। मेरे बीच में डॉक्टर अजय सिंह जी आ गए, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। ये दिखने में भी खूबसूरत है, अंदर से रसिया है, आओ होठों से बिल्कुल एकदम तीखे हसिया की तरह मुस्कान भी बिखेरते हैं, और ये चांदनी शबनम के फैन है, क्योंकि वो कहती है हमने दरवाजा खुला छोड़ रखा है, उनका एक पंक्ति है, और ये कह रहे थे हम तुम्हारे लिए पूरा महलवे खोल के रखे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सही समय पर आ गए, और सब जो है बहुत देर से बैठा है, कुछ फायदा नहीं हुआ उनका, आप बिल्कुल समय से आ गए। आपकी जो टिकट वितरण हुआ है वो सब देख के वितरण हुआ है कि कहाँ कौन जात का कितना है, तो आपकी कुल जात के आधार पर सब कुछ हुआ। बीमारी भी फैली जाती है के आधार पे, सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं, हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है खरीद के देते क्यों नहीं। अब कहते हैं सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, डॉक्टर ने कहा सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, पहले ये बताओ तू बाभन है, ठाकुर है कि पासी है, तो वही हिसाब से सुई लगे जब तीन दिन का बासी है, तब मरीज कहत न कोई साकुर है, न बाभन है, न पासी है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हर मरीज भारतवासी है। कहें बाप रे बाप, भारतवासी है, तेवासी है, तब हम लोग ताजे नहीं हो पाए। ये इसलिए मैं सबको बहुत ही बधाई देता हूँ। अब चांदनी शबनम को चूंकि पढ़ना है, सुकून देना मगर बेहिसाब मत देना, सुकून देना मगर बेहिसाब मत देना, बगैर कांटों के मुझको गुलाब मत देना, दिलो दिमाग को भर दे जो आग, दिलो दिमाग में भर दे जो आग नफरत की, कभी भी बच्चों को ऐसी किताब मत देना, दिलो दिमाग में भर दे जो आग नफरत की, कभी भी बच्चों को ऐसी किताब मत देना, जवाब देने में माहिर हो जानता हूँ मगर कभी बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना, जवाब देने में माहिर हो जानता हूँ मगर कभी बुजुर्गों को अपने जवाब मत देना। एक शेर से मैं चांदनी शबनम को बुलाना चाहता हूँ कि तमाम जिंदगी ख्वाबों के साथ जीते हैं, बहुत अच्छे, तमाम जिंदगी ख्वाबों के साथ जीते हैं, सवालों और जवाबों के साथ जीते हैं। अब शेर सुनिएगा, चांदनी शबनम को सुनना है कि आज खुशबू ने निमंत्रण दिया है सांसों को, आज खुशबू ने निमंत्रण दिया है सांसों को, आओ कुछ देर गुलाबों के साथ जीते हैं। जोरदार तालियां। भैया संजय सिंह भैया बड़ी खामोशी से बिल्कुल नहीं सुनना है। अब देखो जब भैया चांदनी आ गई है तो ये देखिएगा कि देखो अब तो बड़ी बहुत प्यार से सुनना है बेटा, तुम देर को भले आई, माला की आपकी गाड़ी बिगड़ गई थी मगर हमारी किस्मत नहीं बिगड़ी है, बन गई है। हाँ, आपका कलर उनका कलर मिलता जुलता है, वो कह रहे हैं, अब पता नहीं, आइए जी, खुला है आपके चार पंक्तियों से बुलाइए। अच्छा, चार पंक्तियों से बुला ले, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, सूखी पड़ी है दिल की जमी, मुद्दतों से यार बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, कि जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा, तीर दिल के पार भी हो जाएगा, आप इनसे दोस्ती कर लीजिए, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। तुम जो कहती हो कि पतवार अभी बाकी है, हाँ नहीं नहीं गलत हो गया, अब सही कर रहा हूँ, तुम जो कहती हो कि मझधार अभी बाकी है, तुम जो कहती हो कि मझधार अभी बाकी है, मेरे हाथों की ये पतवार अभी बाकी है, देखिए कब तलक अकेली रहोगी चार
जाना एक दिल तुम्हें ससुरार अभी बाकी है, जाना तुमको जाना एक दिल तुम्हें ससुरार अभी बाकी है। अब कह रहा है कोई आशिक ये फोन पर तुमसे, कह रहा है कोई आशिक ये फोन पर तुमसे, मेरा पिछला तो उधार अभी बाकी है, मेरा पिछला तो उधार अभी बाकी है। ये बाबा रामदेव कहते हैं पतंजलि वाले, मोदी जी सुनिए सलवार अभी बाकी है। मैं बहुत नमन करता हूँ, अब दूसरी दिशा में गमन करता हूँ। हमारे पास एक नाम आया है राम प्रताप दुबे जी, डिग्री कॉलेज के, जल्दी से दौड़ कर आ जाएं, बिल्कुल 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 एकदम देख लीजिए, बस उतना ही डालें जितना गटैया में आ गया। एक फोटो हो जाए, अरे क्या बात है, इससे सच गई, इतना माला उतारते उतारते जैसे आपका एहसान उतारते उतारते जिंदगी भीग जाए। इसलिए कहते चलो रेस्टोरेंट चले। चांदनी शबनम ए बेटवा कहाँ गओ, हाँ आपके लिए आखिरी में, आखिरी चल रहा है कि चलो रेस्टोरेंट चले, आखिरी में चलो रेस्टोरेंट चले और सज कर अर्जेंट चले, फेस वाश से मुंह धो करके मार्क सेंट चले, चलो रेस्टोरेंट चले। आजकल बड़े लड़के सिर्फ लड़कियां जब प्यार करती है व्हाट्सएप पर वो लिखती है कि रेस्टोरेंट चलेंगे ही खाई पी, कहती है क्या कहती है, अरे चाउमीन खिलवाऊं तुमको पिज्जा गरम खिलाऊं और डोसा इडली खा लो तो फिर बर्गर नरम मगाऊं, आचा पाचा खा लो तो एक पेप्सी चिल्ड पिलाऊं, जो भी तुमको बहुत पसंद हो उसी को पैक कराऊं, तो कभी कभी ही नहीं हमेशा परमानेंट चले, चलो रेस्टोरेंट चले। और क्या उसमें करते हैं कि कोने वाली सीट थाम कर घंटों तक बतियाएं, एक थाली में दोनों खाकर अपना प्यार बढ़ाएं, चाउमीन चाउमीन लिपटा कर खाओ देखो टूट न जाए, मुंह फैला फैला कर खाना लाली छूट न जाए, तो पीछे पीछे होटल के सारे सर्वेंट चले, चलो रेस्टोरेंट चले। आखिरी में क्या है, अरे चेहरा तुम बांधो ऐसे जैसे, अब चल रहे सफर निकल कर रहे हैं रेस्टोरेंट, अरे चेहरा तुम ऐसे बांधो जैसे डाकू सुल्ताना, मैं हेलमेट को ऐसे पहनूं जैसे अंतरिक्ष में हो जाना, जींस टॉप में तुम निकलो मैं कुर्ता पैजामा, बाइक पर फिर चिपक के बैठूं हो जाए हंगामा, अब मुहबाए सब देखें जब दो एक्सीलेंट चले, बीच सड़क पर करते हुए भी एक्सीडेंट चले, चलो रेस्टोरेंट चले। आई जोरदार तालियां बाबू अजय सिंह के हाथ में माइक, समापन की दिशा।